दोस्तों पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 14 में इस बार का वीकेंड एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में बॉलीवुड स्टार्स शाहिद कपूर और दोस्तों कृति सेनन इस मंच की शोभा बढ़ाते नजर आएंगे। जी हां, लेकिन दोस्तों इसके साथ ये भी तय हो गया है कि इस खास एपिसोड के एंड में किन्हीं दो सिंगर्स को एक साथ इस मंच से अलविदा लेना पड़ेगा, यानी कि इस वीक होगा डबल एलिमिनेशन और दोस्तों शो के इस सीजन को मिलेंगे उसके टॉप 8 कंटेस्टेंट्स। बता देंगे दोस्तों शो में फिलहाल टॉप 10 कंटेस्टेंट्स ओबम टांगू, उत्कर्ष वानखेड़े, आद्या मिश्रा, शुभदीप दास चौधरी, अनन्या पाल, अंजना पद्मनाभन, वैभव गुप्ता, दीपन मित्रा, पीयूष पनवार और दोस्तों मेनुका पौडेल बचे हुए हैं। जी हाँ, और दोस्तों देखना है कि इनमें से कौन दो सिंगर्स टॉप 8 से बाहर होते हैं। वहीं दोस्तों इसी बीच बड़ा सवाल यह भी है कि क्या मेनुका पौडेल और ओबम टांगू हो जाएंगे शो से एलिमिनेट, या फिर दोस्तों टॉप 8 में बने रहेंगे। आखिर क्या है पूरी सच्चाई, दोस्तों जानेंगे सब कुछ। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में यह बताइए कि ओबम और मेनुका में से आखिर कौन है आपका फेवरेट, जी हाँ, जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों आपको बता देंगे लेटेस्ट वोटिंग रिजल्ट के मुताबिक देखा जाए तो मेनुका और ओबम इस हफ्ते सेफ जोन में रहेंगे। लेकिन दोस्तों अगर इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा तो अकॉर्डिंग टू जजेस स्कोर्स इन्हें बॉटम में भी रखा जा सकता है। और दोस्तों आपको बता देंगे ओबम के साथ ऐसा 3 बार हो भी चुका है, तो वहीं दोस्तों मेनुका भी 1 बार बॉटम में आ चुकी हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों हमें तो यह लगता है कि ओबम और मेनुका दोनों ही सिंगर्स धमाकेदार एट में अपनी जगह बना रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि जनता इन्हें ढेरों वोट्स कर रही है और दोनों ही सिंगर्स टीआरपी बूस्टर हैं। ऐसे में शो के मेकर्स इन्हें एलिमिनेट करने से पहले काफी सोचेंगे। वैसे इसके बारे में आप क्या मानते हैं कमेंट में जरूर बताएं।